और बोकारो में दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मच गया। बेखौफ अपराधियों ने शंकर रवानी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटनास्थल पर ही शंकर रवानी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने रवानी पर करीब एक दर्जन राउंड से ज्यादा फायरिंग की। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए। लेकिन इन सबके बीच सांसद डुल्लू महतो ने की एसपी को हटाने की मांग। रिपोर्ट देखिए। बोकारो में दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप। शंकर रवानी की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने 12 से ज्यादा राउंड की फायरिंग। हत्या के बाद लोगों में आक्रोश। सड़क जाम कर लोगों ने की आगजनी। सांसद ढुल्लू महतो ने की एसपी को हटाने की मांग। बोकारो में दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मच गया है। बेखौफ अपराधियों ने शंकर रवानी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटनास्थल पर ही शंकर रवानी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने रवानी पर करीब एक दर्जन राउंड से ज्यादा फायरिंग की है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार और बाइक से तीन लोग उतरे और शंकर रवानी पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। पहले कार आया हटिया मोड़ की तरफ से और हम लोग बीच में थे वॉशिंग सेंटर पे। उधर से डिजायर पहले आया, उसमें से उतरा आदमी, आगे वाला सीट वाला, एक पीछे सीट वाला, और उसके बाद वो लोग गोली मारा, तब तक हम भाग गए रोड पे। और उसके बाद जो है कि पीछे से अपाची आया, वो भी उतर के मारा, और तब तक हम लोग रोड पे भाग चुके थे, और तब तक वो गिर गया और सांस चलना बंद हो गया, वो लोग भाग गया। रामदीप मोड़ से आगे पहुंचे तो पता चला कि वहां पर बहुत भीड़ है और गोली चला हुआ। जब हम यहाँ घटना स्थल पर पहुंचे तो देखे कि एक व्यक्ति को गोली मार कर घायल कर दिया गया है, जिसे मैं आनन फानन में उसे गाड़ी से BGS हॉस्पिटल भेजा। लाइन हटिया मोड़ पे एक गोली चलने की घटना की सूचना मिली थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस यहाँ पे आई है, लोकल थाना हरला पुलिस, और वो सारे चीज़ों को बिंदुओं पे जांच कर रही है। मैनुअल आधार पर, टेक्निकल आधार, सभी बिंदुओं पे जांच किया जा रहा है और हम लोग जल्द ही इसमें किसी निष्कर्ष में पहुँचेंगे। शंकर रवानी की हत्या के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। दिन दहाड़े अपराधी खुलेआम गोली चला रहे हैं और प्रशासन देख रही है चुपचाप। इससे पता चलता है कि प्रशासन एकदम पूरा लापरवाह है और एकदम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय है। कोई काम धाम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ पैसा तसलने का काम करते हैं। पूरे बोकारो शहर में धंधा का पैसा उगाही करने का काम करते हैं और अपराधी को बेलगाम छोड़ते हैं, यही चल रहा है। और बोकारो जल रहा है। जिस तरह से छोटे अपराधों के लिए SP साहब जग जाते हैं और बड़े अपराधों के लिए SP साहब सो जाते हैं, 10 दिन पहले सांसद महोदय ने स्वयं बोकारो के SP साहब को कहा कि इस पे जान का खतरा है और पहले भी 9 महीना पहले भी इस पे हमला हुआ है और आपको देखना चाहिए, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया और आज उसकी हत्या हो गई। लगभग एक दर्जन गोली सुनार लगी है, तो अपराधी इस तरह बेखौफ हैं, पूरी तरह बेखौफ हैं। शंकर रवानी की हत्या के बाद सांसद ढुल्लू महतो काफी आक्रोशित है। सांसद ने DGP और कोयलांचल क्षेत्र के DIG से SP पूज्य प्रकाश को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। दरअसल 8 महीने पहले भी शंकर रवानी पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की थी, तब उनके कमर में गोली लगी थी लेकिन वो बच गए थे। सांसद ढुल्लू महतो ने 1 महीने पहले ही SP से मुलाकात कर मामले की गुत्थी सुलझाने की मांग की थी, लेकिन SP ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के ढुलमुल रवैये के कारण अपराधियों ने गुरुवार को शंकर रवानी की हत्या कर दी। बोकारो पुलिस की साख अब दांव पर है। हत्याकांड की गुत्थी कब तक सुलझती है, इसका इंतजार हर किसी को है। बोकारो से News 11 भारत के लिए सुरेंद्र की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।